नमस्कार, मैं हूं अमित कटोच। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बेसिक मैथ जीके विद अमित में। इस वीडियो में हम लेक्चर स्कूल कॉमर्स के ऊपर जो है बात करेंगे, जिसमें हम ऑफिशियली जो फाइनल कट ऑफ रही है, काफ़ी स्टूडेंट से हमने कंफर्म करके ये जो है ये वीडियो बनाई है। साथ में जो आने वाला कमीशन है जो पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड होगा, साथ में जो अदर कमीशन भी हो सकते हैं लेक्चर स्कूल न्यू के, हम उनके ऊपर भी बात करेंगे। तो वीडियो को जो है पूरा ध्यान से देखें। लेक्चर स्कूल न्यू के एग्ज़ाम जो होते हैं उन्हें हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करवाता है, जिसमें 85 मार्क्स का उनका एग्ज़ाम लिया जाता है, जिसमें 1/4 उनकी नेगेटिव मार्किंग होती है, जिसमें जनरल वालों को 25% और जो अदर कैटेगरीज हैं उनको 20% मार्क्स उसमें जो बेसिक है वो चाहिए होते हैं, मीन्स 21.25 और 17 मार्क्स जो हैं वो अदर कैटेगरी लिए उसमें चाहिए होते हैं। हम डॉक्यूमेंट एवेल्यूशन की बात करें तो उसमें 1.10 कैंडिडेट जो हैं वो सिलेक्ट किए जाते हैं, एक सीट के ऊपर 10 कैंडिडेट डॉक्यूमेंट एवेल्यूशन के लिए, और उसके बाद फाइनल में एक कैंडिडेट सिलेक्ट किया जाता है। फाइनल कट ऑफ की बात करें तो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ऑफिशियली उनकी फाइनल कट ऑफ शो नहीं करता है, बट जो कैंडिडेट डॉक्यूमेंट एवेल्यूशन में गए होते हैं उनके पास कुछ दिन के बाद जो है उनका डाटा आता है अपनी कैटेगरी का। तो वो डाटा आ गया है, हमने काफ़ी कैंडिडेट से जो कन्फर्म करके जो है ये जो डाटा मंगवाया है, तो हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत 19 हो, बट ऑलमोस्ट जो है यही डाटा जो है। जनरल ओपन की बात करें तो उसमें 80 सीट थी और उनकी जो फाइनल कट ऑफ रही है वो 38.37 तक जो है वो रही है। और हम आगे बात करें EWS की, तो उसकी जो फाइनल कट ऑफ रही है 28.71 जो है उसकी फाइनल कट ऑफ रही है। हम नंबर ऑफ कैंडिडेट की बात करें तो टोटल इसमें 27 सीट थी और 62 जो है कैंडिडेट डॉक्यूमेंट एवेल्यूशन में गए थे, लगभग 2.29 का इसमें रेशो था। आगे हम SC की बात करें तो SC में जो कट ऑफ रही है वो 29 पॉइंट समथिंग रही है, और हम सीट की बात करें तो 42 इसमें सीट थी और 131 जो है इसमें टोटल कैंडिडेट थे, मीन्स 3.11 जो है इसका जो DB का रेशो था। नेक्स्ट OBC की बात करें तो OBC में जो है 34 ओपन में सीट थी और 99 कैंडिडेट जो हैं वो डॉक्यूमेंट एवोल्यूशन में गए थे, 2.9 का इसमें रेशो था। तो लगभग जो है ये 29 के अराउंड जो है ये कट ऑफ रही है, इसमें 28.71 बता रहे हैं, साथ में कोई जो है 30 के करीब जो है इसको बता रहा है, तो आप जिसका एग्जैक्ट है वो कमेंट भी कर सकता है। नेक्स्ट ST ओपन की बात करें तो ST ओपन में जो है 8 पोस्ट थी और 37 कैंडिडेट जो है इसमें डॉक्यूमेंट एवेल्यूशन में गए थे, 4.6 का इसमें रेशो था। हम इसकी फाइनल कट ऑफ की बात करें तो अराउंड 31 के जो है ST के कट ऑफ बता रहे हैं। आगे हम सब कैटेगरी की बात करते हैं। ST BPL में जो है 2 सीटें थी और 2 ही कैंडिडेट जो हैं डॉक्यूमेंट एवेल्यूशन में गए थे, दोनों ही पहले से सिलेक्टेड थे, तो फाइनल कट ऑफ जो है उनकी हम अप्रोक्सीमेटली लगा सकते हैं कि 17 जो उनकी मिनिमम कट ऑफ थी तो उसके अराउंड जो है 3-4 नंबर जो आप ऐड कर सकते हैं। और हम OBC BPL की बात करें तो इसमें टोटल 8 पोस्ट थी और 2 ही कैंडिडेट जो है इसमें डॉक्यूमेंट एवेल्यूशन में गए थे, मीन्स ये भी दोनों सिलेक्टेड थे, तो इनके भी 17 के आगे जो भी डॉक्यूमेंट के नंबर होंगे 2-3 वो जो है आप ऐड कर सकते हैं। ये वीडियो जो है उन कैंडिडेट्स को बहुत हेल्प करेगी जो उसमें सेलेक्ट नहीं हुए हैं और जो फर्स्ट टाइम जो है आगे कमीशन्स देंगे। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है बेचारों सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।